हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ अलका और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी है ना बारिश का मौसम है और बारिश में तो हम सभी का मन होता है कि हम कुछ चटपटा और मजेदार खाएं। तो आज मैं कुछ चटपटा बनाने जा रही हूँ और उसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ और आप सभी लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमें कुछ सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो मैं इसे चॉपर में चॉप कर लेती हूँ सारी सब्जियों को। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक काटें तो ये खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। और साथ के साथ मैं इस चॉपर को जो है ना धुल के रख दूँगी ताकि अच्छा रहे। ये चॉपर शार्प रहता है ऐसा करने से, अगर हम इसे बाद में जैसे क्लीन करते हैं तो इसमें गंदगी जम जाती है और फिर अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है। तो हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, बटर, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ तेल या फिर सिर्फ बटर भी डाल सकते हैं। और ये जो सारी सब्जियाँ थी ना, हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। इसमें डाल देंगे नमक, काली मिर्च और पाव भाजी का मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। जब तक इधर सब्जियाँ पक रही हैं तब तक हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो इधर मैं थोड़ा सी सब्जी काट लूँगी, कच्ची सब्जी जैसे खीरा हो गया, प्याज हो गया। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आपको और भी कोई भी जो भी सब्जी आपको खाना पसंद हो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाव भाजी वाला ब्रेड ले लेंगे, आप चाहे तो कोई और भी ब्रेड ले सकते हैं। मेरे पास यही ब्रेड बची हुई थी तो मैंने इसी को मतलब यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो पहले इसमें टोमेटो सॉस लगा देंगे, इसमें अपना रखेंगे बैटर जो हमने बना के रखा है सब्जी वाला, और इसमें लगा देंगे ऊपर से खीरा और प्याज और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और आप चाहे तो इसके ऊपर हरी मिर्च भी लगा सकते हैं। और इसे कर देंगे बंद और सारा ब्रेड जो है इसी तरह से रेडी कर लेंगे हम बना के। और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बच्चे भी ना इसे ईजिली खाते हैं, बहुत ही अच्छे से खाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और अब हम इसमें तवा में डाल देंगे इसको और थोड़ा सा इसे उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। और मैंने सारे पाव भाजी वाले ब्रेड को जो है वो बना लिया है, बना के तैयार कर लिया है। और अब इधर मैंने रख दिया है चाय साथ में, और चाय के साथ तो वाह क्या मज़ा आता है, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अभी मैं बच्चे को देने जा रही हूँ, अपने छोटा वाला सो रहा है और इसको खा के बहुत ही मज़ा आया। बच्चे इस स्नैक को ना बहुत ही मज़े से खाते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें वेजीज भी है तो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है। और ये छोटा वाला बच्चा भी जग गया है मेरा, अभी दोनों साथ में खेल रहे हैं और इसे मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ, अपने हाथ से खा नहीं पाया था। और अब मैं बच्चे की मालिश करूँगी और इसके साथ थोड़ा सा प्यार भी करूँगी, इसको थोड़ा सा खेलूँगी भी इसके साथ। कितनी शांति से लेटा हुआ है, बढ़िया मालिश हो रही है ना इनकी, इनको बड़ा अच्छा लगता है मालिश करते समय। बच्चे को तेल लगाने के बाद मैं इसे कुछ खिला दूंगी और इस तरह मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता जो है थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो डिनर में मैं बनाऊंगी आलू और कद्दू की सब्जी, सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी मैं इसकी। तो इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, इसे पका लेंगे थोड़ा सा और फिर इसमें हम अपनी सब्जी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत ही सिंपल, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे पूड़ी, पराठे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ। और बस इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और ये खुद ही पानी छोड़ देता है तो बहुत ही ईजिली पक जाता है, इसमें हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए सब्जी जो है बन गया है, मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी और फिर सब्जी हो जाएगी रेडी। और मैं इधर इसके साथ पराठा बना रही हूँ, तो ये पराठा भी मैं बना ही रही हूँ बस फटाफट से। मैंने जब तक सब्जी पक रही थी तब तक मैंने आटा गूंथ लिया था और ये पराठा भी मेरा लगभग रेडी ही हो गया है। और अभी हम सब लोग करेंगे अपना डिनर। और ये देखिए हम लोग ने डिनर कर लिया है और अब मैं जो बर्तन थे या किचन था सारा कुछ क्लीन कर लूँगी, बर्तन धुलूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी। रात में किचन की क्लीनिंग कर लेने से सुबह का काम थोड़ा आसान हो जाता है, काम जो है वो कम हो जाता है। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मैं रात में ही सारे काम कर लूँ, उसके बाद ही सोऊँ। और इधर बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।